तो अभी धीरे धीरे बादल पूरे एरिया में कब्जा करेंगे, तो टाइम लैप्स की मदद से आप लोगों को दिखाता हूँ कि कैसे हमारे इस क्षेत्र में बादलों का जमावड़ा एकदम से ऊपर की ओर आता है, फिर एकदम से नीचे की ओर चला जाता है। तो आप लोग टाइम लैप्स की मदद से थोड़ा सा हमारे यहाँ की प्रकृति का आनंद लें। और हमारे घर पर गजब का फूल है, जो कि मेरी बड़ी बहन अपने घर से एक टहनी लेके आई थी गुलाब का। उसमें डबल फूल है, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। ये देखिए नीचे इस साइड, इसके नीचे साइड यहाँ पर ये रेड है, ऊपर से पिंक है, और कुछ टाइम के बाद ये फिर वाइट हो जा रहा है, और ये जो रेड है वो पिंक हो जा रहा है, फिर इसके एक नीचे पंखुड़ी आ रही है वो रेड हो जा रही है। तो ये मैंने टहनी लगाई थी और टहनी में फूल भी लगने लगे। तो सुबह सुबह माँ भी आ गई दूध लगा के ऊपर वाले घर से। तो गुड मॉर्निंग कहते हैं आप सभी को। अभी मैं ऊपर वाले घर पे जा रहा हूँ, और जब भी गाय बच्चों को जंगल भेजने की बारी आती है तो हमारे पास कुछ बकरियां हैं, तो वो सबसे पहले दौड़ते भागते हमारे पास आती हैं कुछ देने के लिए। तो अभी मॉर्निंग की थोड़ी सी रोटियां उनके लिए भी लेके जा रहा हूँ, तो फटाफट से उनको ये रोटी खिलाते हैं, फिर उनको जंगल की ओर भेजते हैं। और आजकल मैं काफ़ी टाइम के बाद ऊपर घर पर जा रहा हूँ, तो हो नहीं पा रहा है ऊपर जाना, क्योंकि माँ जा ही रही है ऊपर, तो इसलिए मैं नहीं जा पा रहा हूँ। तो चलो ऊपर की ओर चलते हैं। और देखो बरसात की वजह से पूरे रास्ते में काई जम गई है, और इस काई में बहुत ज़्यादा खतरा होता है, तो इससे भी बचते बचाते ऊपर नीचे हम लोग जा रहे हैं। सबसे पहले ये स्वागत कर रही है कमू, ये देखो। हाँ तुम आज जब दूध लगा के आई सुबह, तो ये इसको यहाँ पर रात देखा, तो इसमें से थोड़ी बहुत रोटी उसको भी मिलेगी। क्या है, हैं रोटी खाएगा? सुबह सुबह जो भी लोग काम वाले हैं वो लोग अपने काम पर जा रहे हैं, और ये घोड़े वाले हैं तो ये चले गए काम पे। कल याला बैल हमारा भाभी को मार रहा है, भाभी आ नहीं रही है सामने इसके, तो इसलिए मैं आया हूँ इन सबको आगे खेदने के लिए। हट चल, तो
बाकी ऊपर वाले घर पे थोड़ा बहुत बदलाव आ चुका है, जैसे कि आप लोगों ने ये वाला जाल तो देखी होगी, ये करेले का है और कीवी का भी जाल बड़ा होने लग गया है, इसमें ककड़ी का बेल जा रहा है, ये माल्टा का पेड़ है और साथ में यहाँ पर मक्के और मिर्च ढेर सारी लगी है। तो कुछ टाइम के बाद मिर्च का भी अचार डालेंगे, तो अभी थोड़ा सा उस पर वो मिर्च, जो मिर्च का एहसास होता है वो अभी तक हुआ नहीं, तो जब वो थोड़ा टाइट हो जाएगी तो उसके बाद फिर मिर्च का हम अचार डालेंगे। तो बाकी मैंने भैंस को पानी वानी देने के बाद अब मैं नीचे घर की ओर जाता हूँ, वहाँ भी थोड़ा बहुत काम करते हैं। और मैंने अदरक जो लगाई हुई थी वो भी हल्की फुल्की सड़ गई है, और बाकी अभी थोड़ा सा मौसम सही होता है तो उसके बाद उसकी थोड़ा सा देख रेख करनी है, थोड़ा खाद डालते हैं उसमें नई वाली, फिर अच्छे से निराई गुड़ाई करने के बाद वो काम करेंगे। नीचे वाले घर पे आते ही ये यहाँ पर हमने मकई लगा रखी है, ये वाली, तो इसमें अभी तो फूल भी नहीं लगे, और साथ में ये दूसरी वाली जो मकई लगाई है ये मैंने और भाभी ने लगाई थी, और साथ में इसमें हमने थोड़ा सा मडुआ बोया था ये, तो इसमें थोड़ा थोड़ा जो मडुआ है वो भी आ रहा है, और साथ में यहाँ पर मकई लगी हुई है कुछ, तो जब ये पुष्ट हो जाएंगी एक और ये दो, तो ये पूरे ढेर सारे लगे हुए हैं, और ये पुष्ट हो जाती है तो उसके बाद मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। पर इसके यहाँ पर तक पहुँचने तक हम बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, रात रात भर उठना पड़ रहा है और जागना पड़ रहा है, क्योंकि सुअर का बहुत ज़्यादा आतंक है, तो इसीलिए हम लोग इनकी देख रेख कर रहे हैं, तो तब जाके इतने बड़े हो रखे हैं, नहीं तो अभी तक सुअर खा लेता। यहाँ पर ढेर सारी तिल लगाई हुई है हमने, वो भी काली वाली, तो एक काली वाली तिल का खेत है। और अभी मैं अदरक वाले खेत पर आया हूँ, और मैंने 5 किलो के आसपास अदरक लगाया हुआ था, तो कोई कोई पेड़ यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं अदरक के, बड़ा नुकसान हो गया इस बार की बारिश से, बहुत ज्यादा नुकसान। तो ये देखिए कोई कोई पेड़ बहुत दूरी दूरी में दिखाई दे रहे हैं, अब इन जो भी ये थोड़े थोड़े अदरक हैं उनकी देखरेख करनी पड़ेगी, तब जाके इसका बीज अच्छा बनेगा मुझे ऐसा लगता है, आप लोग बताना। जो 4-5 दिन पहले मैं यहाँ पर आया था और मैंने आप लोगों को अपने ये सूरजमुखी का पेड़ दिखाया था, और साथ में मैंने बोला था कि कुछ टाइम के बाद यहाँ पर फूल लगना स्टार्ट हो जाएगा, तो वो समय आ गया है, तो इस पेड़ ने एक फूल दे रखा है, आप लोगों को दिखाते हैं। कि ये ढेर सारे फूल देने वाला है ये वाला पौधा, और इसको यहीं पर छोड़ते हैं और अब चलते हैं सीधे घर में। माँ थोड़ा बहुत अपना काम कर रही है, कपड़े वपड़े। दोपहर का टाइम हो गया है लंच का, और लंच करते करते ये देखिए पूरा एरिया साफ हो गया है, और सुबह जो मॉर्निंग में हो रहा था वो बिल्कुल साफ हो चुका है नीचे साइड, और ऊपर तो अभी बादल है, और शाम तक रोज यहाँ शाम को बारिश हो रही है। तो फटाफट लंच करते हैं, और लंच में माँ ने झोली बना रखी है बयू, उसका टेस्ट लेते हैं इस सुंदर से मौसम।
उठा कर बस मत लाग रो बस खाना नहीं दे रही है तो मैं दूला जब जेला करूं ना खाना देने में भी ऐसा कहती है तो यहाँ पर लगातार मौसम बदलता हुआ देखने को मिला और साथ में अब माँ जा रही है लंच करने के बाद थोड़ा सा भैंस के लिए चारा लेने और मैं करता हूँ एडिटिंग और फिर मिलता हूँ मैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए जय हिंद, राम राम, बाय बाय। आप लोग हंसते रहे, मुस्कुराते रहे और मेरे साथ जुड़ते रहिए। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में।